स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई नमस्ते आज का को वीडियो कोई डिस्कशन रिस्पॉन्स एक जवाब देने वाली हूँ टू द ब्रिटिश मीडिया जब पूरा दुनिया जश्न मना रहा था अबाउट दक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रायन थ्री बिकॉज इंडिया वॉज नॉट ओनली सक्सेसफुल इन सॉफ्ट लैंडिंग इन uh, but it बट इट the first country फर्स्ट कंट्री टू लैंड इन साउथ big अचीवमेंट पूरी दुनिया से सभी कंट्रीज कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी बट ब्रिटेन में एक ऐसा छोटा सा सेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट थे जो बहुत बिजी थे ट्वीट करने में पॉडकास्ट करने में अबाउट रिटर्निंग सो कॉल्ड एड मनी फ्रॉम इंडिया तो इसी चीज का आज मैं जवाब देने वाली हूँ तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली exactly इन्होंने बोला है तो ये है मिस्टर पैट्रिक क्रिस्टी ही इज अ वेल नोन यूके जर्नलिस्ट एंड इन्होंने लिखा है ही सेड दैट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट इंडिया ऑन लैंडिंग ऑन द डार्क साइड बट आई वुड आल्सो लाइक देम लाइक टू इनवाइट देम टू रिटर्न 2.3 बिलियन पाउंड्स ऑफ फॉरेन एड बिटवीन 2016 एंड 2021 तो इसी चीज पे आप याद रखिएगा ये डेट क्योंकि बाद में जब हम एड को डिस्कस करेंगे 2016 2021 में जो एड आया है उसको रिटर्न करने की ये बात करते हैं देन ई गोज ऑन टू से ये पैसा नहीं देना चाहिए ऐसे कंट्रीज को जिनके पास स्पेस प्रोग्राम है एंड ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन स्टेटमेंट दैट ही सेज दैट एज अ रूल अगर आप रॉकेट लैंड कर सकते हो तो यू शुड बी कमिंग टू अस विथ योर हैंड आउट हैंड आउट लेट मी टेल मिस्टर क्रिस्टी हियर दैट इन ट्वेंटी ट्वेल्व वी रिफ्यूज योर हैंड आउट बट उस पर बाद में चर्चा करते हैं he also goes on to say that 29, india has 29 million people living in poverty according to un. it is the highest in anywhere in the world. why are we paying poverty-stricken india when their own government won't bother? unquote. take care. e sophie corcoran. if a british journalist hai, based in uh, australia.

उनका मतलब यू नो द मेन थीम कि ब्रिटेन को एड देना बंद करना है आगे चलते हैं ये एड की कहानी सुनने की बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर यू नो नोटिस अबाउट प्रिलिम्स टू इंटरव्यू बैच ये तीनों लैंग्वेजेस में है इंग्लिश हिंग्लिश और हिंदी इनका एडमिशन क्लोज कर रहा हो रहा है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट में सो so जल्दी जाइए एक बार फीचर्स देखिए ऑनलाइन यू टेक अ लुक एट व्हाट सपोर्ट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस बैच फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू गेट क्रक्स हैंड रिटन नोट्स यू आर गोइंग टू गेट डेली आंसर राइटिंग एंड यू आर गोइंग टू गेट सपोर्ट थ्रू मेंटरशिप तो जाके आप देखिए एक बार क्लासेस के बारे में टीचर्स के बारे में गो एंड हैव अ लुक एंड डू योर रिसर्च

ये नंबर्स आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द यूके पार्लियामेंट वेबसाइट राइट एंड दीज नंबर्स बेसिकली इंडिकेट की ब्रिटेन ने कितना एड दिया है इंडिया इन करोड़ रुपीज अगर हम 2007 से 2008 की बात करते हैं तो अराउंड 1600 सो करोड़ रुपए हमें ब्रिटेन ने दिया है बट बात चेंज हो जाती है 2011-2012 में क्यों क्योंकि 2012 में जो प्रणब मुखर्जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो बाद में ऑफकोर्स हमारे प्रेसिडेंट भी बने हैं बट जब फाइनेंस मिनिस्टर थे ही सेड दैट इंडिया रिजेक्ट्स एड फ्रॉम ब्रिटेन सेज इट इज पीनट्स पीनट है हमारे लिए हमें नहीं चाहिए डेट देखिए फिफ्थ फेबरी ट्वेंटी का न्यूज है तो 2012 में हमने ब्रिटेन को बोल दिया था कि हमें एड नहीं चाहिए इसी के वजह से टाइम हजार बारह एड स्टार्ट्स रिड्यूसिंग फाइनली 2015 और 16 में जहां पे हम सिर्फ 225 करोड़ रुपए लेते हैं उसके बाद हम एड लेना डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड लेना बंद कर देते हैं तो आज के दिन जो भी पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड नहीं है क्योंकि 2015 में हमने ये लेना बंद कर दिया था सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पैसा एज एन एड नहीं आता है फ्रॉम ब्रिटेन दैट इज यूके आगे बढ़ते हैं आई वॉन्ट टू ड्रॉ अटेंशन अगेन टू यूके पार्लियामेंट के वेबसाइट में लेट इफ आई टॉक अबाउट यूके एड टू पाकिस्तान यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है पाकिस्तान इज द टॉप बायलैटरल रिसिपियंट ऑफ यूके एड तो मेरा ये प्रश्न है इन जर्नलिस्ट से आपको दिक्कत इस बात पे हो रही है कि एड सो कॉल्ड एड आ रहा है इंडिया में फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बट ये जो सेम और इससे ज्यादा एड पाकिस्तान में जा रहा है उससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है पाकिस्तान जो इतना फेमस है फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो आपका जो टैक्स पे मनी इज गोइंग टू टेररिज्म इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है सो पाकिस्तान पे इतना पैसा जो जा रहा है उस पर आप तो ट्वीट नहीं करते ना ही क्वेश्चन रेस करते हो बट इंडिया पे ऑफकोर्स यू कीप आस्किंग क्वेश्चन दैट इज द प्रॉब्लम इमर्जेस बट आते हैं आपका वो 2016 से 2021 वाले टाइमलाइन पे ये फिगर फिर से मैंने यूके के गवर्नमेंट वेबसाइट से ली है एंड दिस टॉक्स अबाउट 2016 2020 जहां पे यूके गवर्नमेंट ने खुद लिखा है डिक्लेयर किया है कि यूके ने अराउंड वन पॉइंट नाइन बिलियन ऑफ एड दिया है इंडिया को अब ये वर्ड में एड को चैलेंज करने वाली हूं क्योंकि इसी पैरा में लिखा हुआ है कि ये जो फिगर है वन पॉइंट नाइन बिलियन पाउंड का इसमें से फोर मिलियन पाउंड जो बायोलैट्रल एड आया है वो टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपमेंट कैपिटल और रिसर्च में आया है नाउ ये जो एड है 480 मिलियन पाउंड ये वही वही जगह दिया गया है बाय द यूके गवर्नमेंट जहां पे उनको फायदा दिखा है जहां पे उन्होंने असिस्टेंस की बात की है या कैपिटल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहां पे उनको प्रॉफिट दिखा है वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है ये गवर्नमेंट को नहीं दिया है ये प्रोजेक्ट में लगाया गया है और इधर एनजीओस में लगाया गया है राइट इफ यू अगेन टेक अ लुक एट द फंडिंग, आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं आया है ये, ये और ऑर्गेनाइजेशन में गया है अगेन एज एन इन्वेस्टमेंट गया है आगे बढ़ते हैं इसमें ऑल्सो क्या आता है 679 मिलियन पाउंड ऑफ एड गया है थ्रू वॉट थ्रू मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन लार्जली थ्रू वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक से अगेन

ये है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स विच फोकस ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी ये तो आपको पता है कि देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सीबीडीआर दैट इज कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काफी कॉमन एक यू नो कंसेप्ट है इन क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट में क्या है कि इसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज ने कहा है कि ग्लोबल नॉर्थ ने काफ़ी सारा क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन किया है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके वजह से ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज को ग्लोबल साउथ को क्लाइमेट फाइनेंसिंग दैट इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी तो ये जो यू दे रहा है ना क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ये जो यूके दे रहा है इट इज पार्ट ऑफ सीबीडीआर सो एज पार्ट ऑफ द क्लाइमेट टॉक्स एज पार्ट ऑफ बी कंट्री ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ ये तो देना पड़ेगा ग्लोबल साउथ कंट्रीज को अगेन ये कोई बायलैटरल नहीं है ये ग्लोबल साउथ को मिलता है आगे बढ़ते हैं यूके कॉन्ट्रीब्यूट एन एस्टिमेटेड 756 मिलियन पाउंड्स टू इंडिया वाया बीआईआई दिस इज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिसाइड करता है कहाँ पे कौन से पोर्टफोलियो में इंडिया में इन्वेस्ट करेगा इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा पैसा जो आता है वो बेसिकली दो चीज में आता है एक है इन्वेस्टमेंट में कि डेवलपमेंट में आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाए पोर्टफोलियो में आ जाए और एक सबस्टेंशियल पार्ट आता है जो यूके के मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिसिपेशन uh, का जो ये है उससे आता है बेसिकली यूके को ये पैसा देना ही पड़ता बिकॉज एज अ ग्लोबल नॉर्थ कंट्री इट इज बाउंड बाय सर्टेन रूल्स एंड अग्रीमेंट तो दिस इज अगेन नॉट अ बायलैटरल एड सो ये जो वर्ड है बायलैटरल एड इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक वर्ड इट इज लार्जली इन्वेस्टमेंट एंड वॉट यू हैव टू गिव थ्रू मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन अब आते हैं कोलोनाइजेशन पे प्रॉब्लम यहां पे और एक चीज है ये जो जर्नलिस्ट लिख रहे हैं बोल रहे हैं इनको एक्चुअली कोलोनियल हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है क्यों नहीं पता है क्योंकि ब्रिटेन में ए लेवल ए लेवल मतलब 16 से 18 साल के बीच में जो एडुकेशन लेवल होती है वहां पे कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है सो so, इनको बेसिकली कॉलोनाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है जब वो यूके छोड़ते हैं उसके बारे में उनको कुछ पता चलता है कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है उसका इंपैक्ट क्या है थोड़ा बहुत उनको पता है अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर रियली दे रियली आर नॉट अवेयर दैट दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट इट इज़ अ फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने सिखाया नहीं वो अलग बात है आगे बढ़ते हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ये अंडरलाइन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में 2020 में एक पेपर आया था एंड इसमें क्लियरली ये बताया गया था कि ब्रिटेन ने बाय कॉलोनाइजिंग इंडिया इट हैड टेकन अवे अराउंड 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो इंडिया के डेवलपमेंट में काम आ सकता अगर ये पैसा यहां पे रहता तो इंडिया आज के दिन कितना डेवलप्ड हो सकता है आप ही सोचिए लेट मी गिव यू सम नंबर्स आल्सो हियर अगेन जब 1700 सेंचुरी की बात सत्रह सो सेंचुरी की टॉकिंग अबाउट इंडिया का जो ग्लोबल जी था वो ट्वेंटी था इट वॉज अकाउंटिंग फॉर ट्वेंटी ऑफ ग्लोबल जी अगर हम बात करते हैं एटीन की तब ट्वेंटी था इंडिया का ग्लोबल जीडीपी 200 साल कोलोनियल एक्सप्लॉइटेशन के बाद लेफ्ट एट थ्री परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी 3% थ्री परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी आप खुद सोचिए 200 साल में कितना एक्सप्लॉइटेशन हुआ होगा कितना लूट हुआ होगा कि इंडिया का ये हाल था तीन परसेंट ग्लोबल जीडीपी और थोड़े नंबर्स पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन in 1947 was 90% of the indian population literacy rate was below 17% life expectancy was 27% or that we just imagine kitna halat karakta a call last number de growth rate of british india from 1900 to 1947 was 0.0 .04%. जीरो वन परसेंट आई रिपीट जीरो पॉइंट जीरो जीरो पे ब्रिटेन ने छोड़ा था इंडिया को जीरो पॉइंट इतना लूट के बावजूद वी हैचीव वॉट द कॉलोनाइज गुड नॉट टू द फॉर्मर कॉलोनाइज गुड नॉट टू कहीं ना कहीं जलेसी तो है ही पक्का से जलसी है इसको यू नो हैंगओवर नहीं कह सकते हैं जेलेसी तो पक्का से है अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है और इसका कोई बेसिस नहीं बनता इस का अब आते हैं जो दूसरा एलिमेंट है इनके जो ट्वीट का वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करती नहीं है तो हमें हमारे पैसे से क्यों हमारा पैसा जाए ये जो उनका क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टेंटली अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे अभी आते हैं इसका जवाब ऑब्वियसली हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा जी हैं उन्होंने काफी ब्लंटलीट मी अगेन कोर्ट हिम सेज दैट द गोल ऑफ कॉलोनाइजेशन इज टू कन्विंस द इट्स विक्टिम्स ऑफ इट्स इंफियोरिटी विच इज वाई बोट टॉयलेट्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रोडिक्शन बिकॉज वॉट गोइंग टू द मून डज फॉर अस इट हेल्प्स रिस्टोर अर प्राइड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में यही चीज हुआ था कि वी हैड लॉस्ट आर प्राइड ऑन बीइंग एन इंडियन, वी हैड लॉस्ट प्राइड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कल्चर जो एक जमाने में इट वाज़ द मोस्ट पावरफुल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड वी हैड लॉस्ट अर प्राइड ऑफ बींग वॉट वी ट्रूली आर दैट इज एन इंडियन एंड जब ये आज हम कर पा रहे हैं थ्रू अ स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय लैंडिंग इन द मून इट इज

You will yourself realize how much of a change has happened in the past few years. Ye ap, again, you have never researched it before you went ahead and wrote about it. So, let's not talk about how much you are aware. But let's talk about responsible tweeting. अगर आपको एक्चुअली नहीं पता है यू आर यू रियली आर नॉट अवेयर यू शुड नॉट ट्वीट बट इफ यू आर ऑफ कोर्स इफ यू आर जेलस एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस कोलोनियल माइंडसेट या आपको कोलोनियल रूल के बारे में कुछ नहीं पता है और आपको ये यू वॉन्टेड दिस काइंड ऑफ एन जवाब तो ऑफकोर्स फील फ्री आई एम राइट हेयर टू गिव इट अगेन आई एम राइट हेयर टू गिव अ रिस्पॉन्स टू योर नेक्स्ट ट्वीट विद दिस वी कम टू एन एंड थैंक यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल